मणिपुर जल रहा है लेकिन सरकार सो रही है, मणिपुर जल रहा है लेकिन गृह मंत्रालय सो रहा है, और लगातार सदन में इसी पर तो चर्चा हो रही है कि आखिरकार मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी है क्या, आखिरकार कैसे ये लोग नौटंकी का खेल खेलते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी, यही स्मृति ईरानी जो संसद में विपक्ष पर चीख चिल्ला रही है, यही स्मृति ईरानी जब मणिपुर के दौरे पर गई थी तो मणिपुर दौरे के दौरान वहां पर महिलाओं के साथ जिस तरीके से हम देख रहे थे कि वहां पर नृत्य कर रही थी, डांस करती नजर आ रही थी, और सीधे सीधे तौर पर देखने को भी यही मिलता है कि किस तरीके से उस वक्त तो उन्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा था। उस वक्त महिलाओं की जमकर तारीफ कर रही थी, महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, लेकिन जब मणिपुर में दंगा हो जाता है, मणिपुर में महिलाओं के साथ जो घटना घटित होती है, उसके बाद का जो वीडियो सामने आता है ना, उस वीडियो के बाद तो हम ये देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी तो ऐसी चुप हो गई जानो उनका मणिपुर से कोई रिश्ता ना हो, लेना देना ना हो। यही स्मृति ईरानी जब डांस हो, नाटक करना हो तो खूब जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो मौजूदा समय की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो हालात इस वक्त के हम देख रहे हैं, क्या वो ये जाहिर तौर पर नहीं बताता कि शायद कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले को किसी भी तरीके से दबा देना चाहती है। हालांकि सुप्रिया सुनेत ने स्मृति ईरानी पर जमकर निशाना साधा भी, और सुप्रिया सुनेत ने यह सीधे सीधे तौर पर कहा कि शर्म आनी चाहिए स्मृति ईरानी को, शर्म आनी चाहिए इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, मंत्री, सांसद, विधायकों को कि आज मणिपुर के मुद्दे पर ये लोग चुप हैं, आज मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बात नहीं कर पा रहे। और सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो जो तस्वीर इस वक्त की नजर आ रही है वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि आज अगर बहुत बड़ी मुश्किल में सरकार फंस रही है, आज अगर बहुत बड़े हद तक सरकार फंस रही है तो इसकी जिम्मेदार सरकार खुद है, क्योंकि सब कुछ आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, तंत्र आपके पास है, सारी चीज़ें इसके आपके पास है, लेकिन उसके बावजूद आप चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे, उसके बावजूद आप जो है वो हालात को नहीं बेहतर कर पा रहे, तो क्या ये सरकार की एक बड़ी गलती नहीं है? और क्या स्मृति ईरानी और तमाम मंत्रियों को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।